this. नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। मैं हूं प्राची तिवारी। स्वस्थ गांव खुशहाल भारत में इस बार मैं लेकर आई हूं आपके लिए डेंगू और मलेरिया से बचाव के कुछ घरेलू नुस्खे। डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स कम होना, बुखार होना, पेट की गड़बड़ी, उल्टी और दस्त और लीवर का काम ठीक नहीं होना जैसी कई समस्याएं होती हैं। ऐसे में डेंगू की बीमारी में पपीते के पत्तों से घरेलू उपचार किया जा सकता है। इन पत्तों का इस्तेमाल कैसे करना है, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल पपीते की पत्तियों में काइमोपापिन और पापिन जैसे जरूरी एंजाइम होते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये तत्व प्लेटलेट्स काउंट को सामान्य बनाते हैं। इससे ब्लड क्लॉटिंग सामान्य रहता है और लिवर भी ठीक से काम करता है। इस तरह से डेंगू के मरीज को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है। अब इसका इस्तेमाल आपको ऐसे करना है कि आप सबसे पहले पत्तों को साफ पानी से धो लें। इसके बाद लकड़ी की ओखली में पत्तों को बिना पानी, नमक या चीनी डाले कूटें और फिर कुटी हुई पत्तियों से जूस निकालकर दो बार दिन में पिएं। याद रखें कि वयस्कों को दिन में दो बार 10 ml जूस पीना चाहिए और 5 से 12 साल के बच्चों को दिन में सिर्फ दो बार 2 ml तक ही जूस पीना चाहिए। इसके अलावा आप गिलोय से भी डेंगू में बचाव कर सकते हैं। गिलोय एक आयुर्वेदिक औषधि है। डेंगू में इसके इलाज को लाभदायक बताया गया है। गिलोय और 7 तुलसी के पत्तों का रस पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये रक्त के प्लेटलेट्स का स्तर भी बढ़ाता है। गिलोय की कड़वाहट को कम करने के लिए इसे किसी अन्य जूस में मिलाकर पी सकते हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं कि पपीते के पत्तों और गिलोय का जूस एक साथ मिलाकर सेवन करने से भी शरीर को लाभ मिलता है। बकरी का दूध भी डेंगू में फायदेमंद माना जाता है और इसे डेंगू के लिए रामबाण दवाई माना गया है। बकरी के दूध में फॉलेट बाइंड करने वाले अवयव की मात्रा ज्यादा होने से फॉलिक एसिड नामक आवश्यक विटामिन होता है। इसे एक साल से छोटे बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि इससे उनको एलर्जी हो सकती है। गाय का दूध पचने में जहां 8 घंटे लेता है तो वहीं बकरी का दूध मात्र 20 मिनट में पच जाता है। इसलिए डेंगू के बुखार में बकरी का दूध भी काफी फायदेमंद माना गया है। डेंगू बुखार में रक्त की कमी को पूरा करने और प्लेटलेट्स के स्तर को बढ़ाने के लिए अनार का रस भी पीना चाहिए। अनार में मुख्य रूप से विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो रोगी को रोग से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। डेंगू में रोगी को नियमित रूप से ताजा अनार का जूस जरूर पीना चाहिए। मेथी के पत्ते भी डेंगू में मददगार साबित होते हैं। मेथी के पत्तों को गर्म पानी में हर्बल चाय की तरह पीने से भी डेंगू में काफी फायदा होता है। इसके अलावा मेथी पाउडर को भी पानी में मिलाकर पी सकते हैं। मेथी से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जिससे डेंगू के वायरस भी खत्म होते हैं। साथ ही ये पीड़ित का दर्द दूर कर उसे आसानी से नींद लाने में मदद करते हैं। इसके अलावा 10 से 12 तुलसी के पत्ते और 4-5 काली मिर्च को गर्म पानी में उबालकर छानकर डेंगू के मरीज को पिलाना सेहत के लिए अच्छा रहता है। तुलसी की ये चाय डेंगू रोगी को बेहद आराम पहुंचाती है। ये चाय दिन भर में 3 से 4 बार पी जा सकती है। ये चाय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है और एंटी बैक्टीरियल तत्व के रूप में काम करती है। स्वस्थ गांव खुशहाल भारत में इस बार हमने आपको डेंगू से बचने के कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताया, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि डेंगू एक खतरनाक बीमारी है, इसलिए आप सबसे पहले डॉक्टरी जांच कराएं और डॉक्टरी सलाह पर ही दवाई को ज्यादा तवज्जो दें। स्वस्थ गांव खुशहाल भारत में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर से किसी बीमारी का घरेलू उपाय लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।